नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। शादी कर रहे हैं तो अब थानेदार साहब को भी देना होगा निमंत्रण, वरना केस खाने को रहें तैयार। कोरोना वायरस भी न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। एक तो कोरोना का खौफ, दूसरा प्रशासन का डंडा। अब देखिए ना, झारखंड सरकार ने 16 से 27 मई तक एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए इस लॉकडाउन ने आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उल्लंघन पर गढ़वा में 7 दुकानें सील, एक को मिला नोटिस। गढ़वा नगर परिषद के कार्यालय पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने शुक्रवार को बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान नियम के विरुद्ध कुछ दुकानें खुली मिली। इस दौरान कुछ 7 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि एक दुकान को गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। सील होने पर दुकानों में 4 कपड़ा व जूता की दुकानें हैं, 2 श्रृंगार स्टोर व 1 मोबाइल दुकान शामिल है। इनके अलावा रंका मोड़ के पास एक मेडिकल स्टोर को नोटिस भी जारी किया गया है, क्योंकि यहां शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की 2 विकल्प पर मंथन, फैसला होगा जल्द। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फिलहाल 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि परीक्षा रद्द करने या ऑनलाइन परीक्षा दोनों के विकल्प पर विचार हो रहे हैं। छात्रों एवं अभिभावकों की परेशानी पर जल्द निर्णय लेने की कसरत जारी है। 18 मई तक राज्यभर में छाए रहेंगे बादल, कुछ जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात के आसार, 19 से साफ होगा आसमान। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में तूफान का व्यापक असर देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इन जिलों में आज हो सकती है बारिश। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और गोड्डा में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 7 दिन में झारखंड के 49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए ठीक, फिर भी हम रिकवरी रेट में 20वें स्थान पर हैं। हमारे पड़ोसी बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ हमसे बेहतर है। कोरोना की दूसरी लहर राज्य के हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। 45 दिन का ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य में इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 1 अप्रैल से 14 मई तक राज्य में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। 49,000 से ज्यादा तो केवल 7 दिन में कोरोना को ठीक हुए हैं। इसके बाद भी हम देश में रिकवरी रेट में पीछे रहे हैं। झारखंड में तीसरी लहर में तीसरे दिन कम पड़ सकते हैं बच्चों के बेड, क्योंकि 2000 बच्चों को रोज संक्रमित होने का है खतरा। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी के बाद यह बात जोर पकड़ने लगी है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तीसरी लहर दूसरी की ही तरह होगी, लेकिन इसमें 50% मरीज बच्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस चेतावनी के आधार पर तीसरी लहर में झारखंड में हर दिन जितने केस मिलेंगे उनमें 50% कोरोना पॉजिटिव 0 से 14 साल के बच्चे हो सकते हैं। इनमें 10% बच्चे अस्पताल में भर्ती कराया जा सकते हैं। झारखंड में कल से बढ़ेगी सख्ती, दोपहिया व निजी वाहन के लिए ई पास है जरूरी, केवल इन मामलों में होगी छूट। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई से कई चीजों में सख्ती बरती गई है। राज्य सरकार ने दोपहिया व निजी वाहनों के लिए ई पास को अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के वाहन को ई पास में छूट है। मेडिकल व अंतिम संस्कार के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं व्यावसायिक वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा को भी ई पास से छूट है। चाहे कोई भी कभी भी घर से अपने दोपहिया या चार पहिया से किसी भी जगह जाने के लिए निकलेंगे तो ई पास लेकर चलना होगा। बिना पहचान पत्र वाले का भी होगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने SOP जारी कर विशेष सत्र आयोजित करने का दिया है निर्देश।
वैसे लोग जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है और न ही मोबाइल है, उनका भी टीकाकरण होगा। इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे संबंधित SOP जारी किया है। झारखंड सरकार ने दुरुस्त इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, पहचान पत्र की समस्या और मोबाइल नंबर की होने की समस्या की बात केंद्र सरकार के पास रखी थी। ऐसे लोगों के टीकाकरण में छूट देने की मांग की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने SOP जारी किया है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, झारखंड के विकेटकीपर इंद्रानी रॉय को मिला पहली बार मौका। इंग्लैंड के खिलाफ सभी प्रारूप की सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। महिला टीम को इंग्लैंड दौरे में एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। टीम 16 जून से सेलिब्रेट में टेस्ट मुकाबले के इस दौरे की शुरुआत करेगी। यह खबर है गोड्डा जिला से। लोगों ने COVID-19 का किया पालन, घरों में ही मनाई ईद। जिला मुख्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार की ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में मनाया गया। COVID-19 जैसे संक्रमण के कारण लोग अपनी खुशी का इजहार खुले आम नहीं कर पाए। परंपरा के तहत ईदगाह व मस्जिदों में नमाज को लेकर भीड़ नहीं लगी। लोगों ने कोविड का नियम पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद मनाया। रात भर हाथी सड़क पर इधर उधर घूमता रहा, भागने के प्रयास में एक युवक को पटका, गंभीर रूप से जख्मी है युवक। यह खबर बताया जा रहा है कि दुमका जिला से है। जंगली हाथियों का उत्पाद अब तक गांव में ही देखा जा रहा था, पर शुक्रवार की रात दुमका शहर में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। अपने झुंड से बिछड़कर हाथी शहर में घुस आया। तकरीबन पूरी रात सड़क पर इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच हाथी को भगाने के चक्कर में एक युवक उसकी चपेट में आ गया। हाथी ने सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। गाँव में संक्रमण के संकेत मिले तो मुखिया दें BDO को जानकारी। यह खबर है गोड्डा जिला से। पंचायत के किसी गांव में अगर संक्रमित के संकेत मिलते हैं तो संबंधित मुखिया को इसकी जानकारी BDO को देनी है। इस व्यवस्था में पंचायत स्तर पर ही पीड़ित मरीज का इलाज संभव हो सकता है। उक्त बातें DC भोर सिंह यादव ने शुक्रवार को जिला वासियों के नाम संदेश जारी करते हुए DC ने कहा कि विभिन्न प्रखंड पंचायतों व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी भी खांसी, जुकाम, बुखार या टाइफाइड के लक्षण दिखते हों, उनको कोविड की संभावना हो सकती है। यह सूचना संबंधित प्रधान कार्यकारी समिति के माध्यम से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिलनी चाहिए, ताकि संक्रमितों को सही समय पर होम आइसोलेशन, कोविड किट एवं ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराया जा सके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।